सीएससी का मकसद ही ये था, कॉमन सर्विस सेंटर जब शुरू किया गया तो ये था कि डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करके समाज में कैसे बदलाव ला सकते हैं, एंड दैट इज द पर्पज ऑफ कॉमन सर्विस सेंटर। और वो आज दिखने को मिलता है, हमें आज दिख रहा है कि हम गाँव में अगर गाँव वालों की सहयोगता मिले तो कॉमन सर्विस सेंटर के एंटरप्रेनर वास्तव में गाँव के बच्चों और बच्चियों को और उनकी पूरी सोच को बदलाव में ला सकता है, उनकी इनकम जनरेशन एक्टिविटी बढ़ सकती है और गांव शहर से फर्क नहीं रहेगा, गांव और शहर की दूरी बहुत कम हो जाएगी। वैसे भी मैं आपसे शेयर कर लूं कि बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, बहुत सारे लोगों ने रिसर्च करके बताया कि गांव के बच्चे का जो इंटेलिजेंस लेवल है वो एवरेज इंटेलिजेंस लेवल शहर के बच्चे से कम नहीं है, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट कोई डिफरेंस नहीं, मतलब गांव के बच्चे भी उतने इंटेलिजेंट हैं जितना शहर का बच्चा, सिर्फ परिवेश नहीं मिलता है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। अगर हम उसको परिवेश दे दें या शुरू में माँ बाप थोड़ा ध्यान नहीं रख पाते हैं, सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो बच्चा खिल नहीं पाता है। इसलिए आपने देखा होगा गाँव के बच्चे थोड़े ज्यादा उम्र के होकर के कम्पीट करते हैं एंड दे डू एक्सट्रीमली वेल, बहुत अच्छा करते हैं। आजकल तो सिविल सर्विस के एग्जाम्स में ज्यादातर बच्चे गाँव से आते हैं, वो थोड़ा उम्र की वजह से बड़े होते हैं, बट आई थिंक दे डू फिनोमिनली वेल। तो ये तो हमारे मन में पहले हो जाना चाहिए कि गांव में लेवल ऑफ इंटेलिजेंस उतना ही, और इसी तरह जो गांव में अनएजुकेटेड लोग भी हैं उनकी इंटेलिजेंस लेवल भी इक्वल है। ये जरूरी नहीं है कि पढ़ाई के साथ इंटेलिजेंस लेवल बढ़ता है, हमने तो बहुत सारे लोगों को देखा है बादल को देख के बता देता है कि बारिश होगी या नहीं होगी, शायद मेट्रोलॉजी वाला नहीं बता पाएगा। चिड़िया को देख के आवाज सुन करके बता देता है चिड़िया का नाम क्या है, शायद जियोलॉजिस्ट नहीं बता पाएगा। और पौधे को देख करके पौधे का नाम बता देता है कि ये प्लांट ये है, शायद बॉटनिस्ट नहीं बता पाएगा। एजुकेशन जो क्लास स्कूल की है वो बच्चों को नहीं मिली होगी, वो उनको नहीं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस, उनकी नॉलेज, उनका ज्ञान वही है, और वो ज्ञान ही उनको सस्टेन करता है। दैट इज हाउ द लेवल ऑफ गांव वालों की जो धरोहर है, जो अपनी इनकी धरोहर है, जो अपना उनका एक्सपीरियंस है, वो बहुत फिनोमिनल है एंड दैट इज वेरी गुड। उसी को हम टेक्नोलॉजी के साथ अगर जोड़ दें तो इट कैन बी फिनोमिनल ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बदल सकता है गांव। और गांव के बदलाव की ये जो अब जर्नी शुरू हुई है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वैसे ही हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, जैसे कि बताया सुभाष ने बताया कि हम लोग बच्चों के एजुकेशन के लिए हम लोग चाहते हैं कि जो बच्चे पढ़ नहीं पाए या पढ़ नहीं सकते या किसी कारण वीक हैं या फेल हो जाते हैं उनको भी सपोर्ट कर लें, उनको ट्रेडिशनल सिस्टम से सपोर्ट नहीं मिलता है। स्कूल माँ बाप ही कहते तू फेल हो गया चल छोड़ बैठ जा, ऐसे मत करना कभी भी, उस बच्चे का भी ध्यान रखना है। वो स्कूल की पढ़ाई में फेल हो गया होगा लेकिन जो जिंदगी की जो पढ़ाई है, जो जिंदगी का जो मकसद है, उसमें बहुत कुछ कर सकता है। तो किसी बच्चे को कम मत समझना, हमने बहुत सारे बच्चों को देखा है दे कैन डू फिनोमिनल वेल, हमारी तो बच्चियां भी बहुत अच्छे काम करती हैं एंड इन आर सिस्टम सीएससी इज डन फिनोमिनल। सुभाष इज ए क्लासिक एग्जाम्पल कि छोटा पढ़ने के बाद भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो हम एक तो यही करते हैं कि सब बच्चों को पढ़ाते हैं और पढ़ाते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाते हैं, गांव और शहर का दूरी दूर कर सकते हैं। तो आज अगर गांव में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग सीखना चाहता है तो एक भी बच्चा सीखना चाहता है हम सिखा सकते हैं, उसको परेशानी की जरूरत नहीं। आईआईटी मुंबई का कोर्स करना चाहता है वो भी करा सकते हैं। तो हमारे पास एजुकेशन में सहारा है क्योंकि हमने सोचा था कि गाँव में एक या दो बच्चे भी होंगे तो उनको भी हम अलेबल कर देंगे, क्योंकि शायद सबको आईआईटी मुंबई के कोर्स ना मिले लेकिन वो बैठ करके शायद गाँव में वो कोर्स कर सकते हैं। तो पढ़ाई के लिए हमारे पास सब कुछ है and that is the objective of doing that part of them. आज जो 25 प्रधान जुड़े हैं हमारे साथ, उन सबसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट होगा कि आप भी सैमी और इन दोनों गाँव का देख लीजिए, और आप भी अगर करना चाहें तो हम आपके साथ मिलकर के हम पूरी डिजिटल, जैसे कहा डिजिटल, पूरा डिस्ट्रिक्ट डिजिटल डिस्ट्रिक्ट बना सकते हैं। डिजिटल डिस्ट्रिक्ट बनाने में हर गाँव को डिजिटली कनेक्ट कर देंगे और एक मोबिलिटी बढ़ाते हैं हम, ई मोबिलिटी जिसको बोलते हैं, क्योंकि गांव और शहर में एक ज्यादा अंतर ये होता है कि शहर के लोग जल्दी जल्दी चले जाते हैं, आज गए वहां से वापस आए, गांव का आदमी बेचारा बस की इंतजार करता है कि एक दिन में एक बस आएगी तब जाएगा। अगर हम उसकी मोबिलिटी बढ़ा दें तो फिर वो शहर नहीं जाएगा, अगर वो हर छोटी छोटी गाड़ी लेकर के या मोटर बाइक लेकर के चला जाए। हमने तो खुद देखा है वो लड़की बेचारी पहाड़ से पढ़ने नहीं जाती थी क्योंकि वहां रास्ता नहीं था अलवर के पास जब मैं उस गांव में गया। तो अगर हम उनको छोटी बाइक दे दें, बिजली वाली इलेक्ट्रिक बाइक, बाइक को रेंट दे दें, गांव में आप 10 बाइक रख लीजिए
और जिसको लेके जाना है वो लेके चला जाएगा और स्कूल से वापस आ जाएगा। तो बच्चियों को आने जाने में, बच्चों को आने जाने में सहूलियत मिलेगी, या किसी को अस्पताल जाना है, या किसी को अपना काम करना है, किसी को व्यवसाय के लिए कुछ करना है, मोबिलिटी को एनहांस करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम हर गांव में एक ई मोबिलिटी सेंटर लगाएं, इलेक्ट्रिक बाइक सिस्टम लगाएं, तो चार्जर भी होगा, वहां रहने के लिए जरूरत भी बढ़ जाएगी। दूसरा, हम लोग का एक प्रोग्राम जो भारत सरकार कर रही है, मेरा गांव मेरी धरोहर, एक सर्वे कर रहे हैं गांव में क्या क्या अच्छी चीजें हैं, तो आपके गांव का भी सर्वे होगा उस चीज में। जैसे आपने कुछ कुछ चीजों को बनाया है, पुराने खंडर को ठीक किया है, आप उनको ठीक कर लीजिए और बना लीजिए, फिर हो सकता है लोगों को जाने के लिए, अगर लोग वहां जाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, एक छोटा सा कमरा और छोटा सा गेस्ट हाउस टाइप बना लेना कुछ लोगों को लेके, बिकॉज टूरिज्म से भी इनकम बढ़ती है, टूरिज्म से बहुत इनकम बढ़ती है एंड टूरिज्म से एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो अगर हम गांव को सोर्स ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन बना ले तो ये भी बहुत अच्छा होगा। तो अगर कुछ गांव में बहुत अच्छा है एंड यू कैन बिल्ड सम सेंटर्स, हम भी मदद करेंगे, और नहीं तो हमारे इतने सारे लोग हैं, हम ही एक अपना कैंप आपके गांव में लगा लेंगे एंड विल डू दैट पार्ट ऑफ द वर्क। हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम, हम 5-स्टार होटल में जाकर के गाँव के कैंप में जाकर के अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम कर लेंगे, हम भी तो जाते हैं, बट वाई शुड वी गो टू 5-स्टार, वाई कैन गो टू द विलेज एंड डू दैट पार्ट ऑफ द वर्क। स्कूल के बच्चों को दिखा सकते हैं, but tourism can create huge employment and economic activity for the villages. So aap log koshish karna, agar hamari madad chahte to hum koshish karke aapki madad kar denge. Aur mahilaon ke liye jo tailoring centers hain wo bahut acche hain, embroidery hai, tailoring hai aur kuch new activities hain jo karna chahte hain, hum unki bhi madad karke kar sakte hain. Aur teesra tha kisan ke liye, sab kuch kisan ke liye jo karna hai, चाहे उसको सीड फर्टिलाइजर, सोयल टेस्टिंग, इक्विपमेंट लीजिंग, लोन, किसान क्रेडिट कार्ड, टेली कंसल्टेशन फॉर एग्रीकल्चर, या अपने प्रोड्यूस को सेल और स्टोर करना, ये वाला काम कंप्रिहेंसिवली हम हर गांव में कर सकते हैं, तो हम किसान की इनकम बढ़ाएंगे और किसान की मदद भी करेंगे। तो बच्चों का, महिलाओं का, किसान का, ये सारा काम अगर हम, यही CSC का पर्पज है। और अगर आप सब चाहें और थोड़ी सी मदद करें हमारी वेली के माध्यम से, तो आज 25 के 25 गाँव में हम शुरू कर सकते हैं। 25 में एजुकेशन लैब से शुरू करेंगे, कंप्यूटर लैब से कुछ मदद हम करेंगे, कुछ आप भामाशाह ढूंढ लेना, कुछ मदद वो करेंगे। और राजस्थान इसलिए भी यूनिक है कि राजस्थान इज द ओनली स्टेट इन द कंट्री जहां लोग बाहर से जाकर के पैसा भेजते हैं। बहुत सारे स्कूलों में बहुत सारे लोगों ने पैसा दिया है, कलकत्ता, हम भी अगर आप चाहोगे तो आपके साथ जाके कलकत्ता में जो मारवाड़ी है उनसे पैसा इकट्ठा करके आपके गाँव के लिए वापस ले आएंगे। That is a possibility. हम ले जाएंगे आपको, उनके साथ बात कराएंगे कि वो पैसा यूज होगा गांव के उत्थान के लिए। That is how it is possible. तो जहां भी आप कहेंगे, आप दिल्ली में कुछ ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, अपने मारवाड़ी भाइयों से मिलना चाहते हैं, हम उनको मिला सकते हैं, आपको ले जा सकते हैं, उनसे बता सकते हैं, हम उनका कॉन्फिडेंस क्रिएट करेंगे कि जो पैसा होगा वो प्रॉपरली यूज होगा और गाँव के भलाई के लिए होगा। तो बहुत अच्छा लगा, और हमें लगता है कि हम लोग सब मिलकर के आपस में ये एक ऐसा मॉडल बनाएंगे, और ये मॉडल देश के लिए एग्जाम्पल बनेगा, और दूसरी स्टेटों में भी इसको अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ओमवीर ने बहुत मेहनत की है, आशीष एनी टीम हैज डन वेरी वेल, और हमारे जितने भी कलीग्स हैं वो सपोर्ट करेंगे। कोई परेशानी होगी तो परेशानी को दूर करने के लिए कुछ पैसा हम भी बाहर से लाते हैं, हमें भी कुछ लोग पैसा देते हैं CSR का, तो कुछ पैसा हम दे देंगे। एक शायद वैन हम दे रहे हैं, मुझे लगता है एक तो वैन हम आपको दे देंगे, तो वैन को आप घुमाना, क्योंकि जो छोटी छोटी जगह है वो आप उसको यूज करके उसको यूटिलाइज कर लेना, और एडवोकेसी, अवेयरनेस, फाइनेंशियल लिटरेसी, ये बहुत सारी चीजें सिखानी है बच्चों और बच्चियों को, ताकि उनको कोई उनको, और हमें साइबर सिक्योरिटी का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हर लोग आजकल यूज करते हैं फेसबुक, व्हाट्सअप, लेकिन बच्चों को समझाना है कि कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम एनी ऑफ दी eventuality which can happen through cyber space. तो वो चीजें भी हमें बतानी है और समझानी है, तो हम आपकी मदद करेंगे, आप हमारे साथ मिल करके गांव को बदलने में, गांव के लोगों को डिजिटली एम्पावर करने में मदद कीजिएगा, और आपका शुक्रिया बहुत बहुत। जैसे कोविड ठीक होगा मैं आऊंगा और आपसे जरूर फिजिकली मिलूंगा।